आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पास्ता की रेसिपी, बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना लेंगे। और आपको ये बहुत ही, ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पास्ता बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे। आप पानी को बस वैसे ही नॉर्मल बॉईल करते हैं ना, और किसी भी, मैंने 2 पैकेट पास्ता लिया है उसे, आप जो है ना, मैंने इस शेप वाले पास्ता लिया है। आप चाहे तो आपको जो भी शेप अच्छा लगे, जो शेप वाला जो आता है ना, बहुत सारे शेप के आते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो वो आप ले लीजिए। और इसे हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। अब ये हो गया है तो हम क्या क्या करेंगे, इसे छान लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी से इसे हम धो देंगे, इससे क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं। अब हम पैन में ऑयल गरम, तेल गरम करेंगे। 1 चम्मच हम तेल लेंगे और इसमें कटा हुआ टमाटर, प्याज और लहसुन, 1 बड़े टमाटर कट करके ले लेंगे, और 3-4 कलियाँ जो है सो लहसुन का लेंगे, और 1 बड़ा प्याज लेंगे। तो हम सबको बारीक कट कर लेंगे, और 1 हरी मिर्च भी दे देंगे, क्योंकि बच्चे खाते हैं उन्हें ज़्यादा तीखा पसंद नहीं होता है ना, तो इसलिए 1 ही मिर्च डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम हल्का सा भूनेंगे। अब हम इस टाइम पे क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डाल के ना फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम रखेंगे इसलिए क्योंकि टमाटर जो है ना ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, क्योंकि अच्छे ये ज़्यादा गलेगा नहीं ना, तो फिर ये क्या होगा, इसे देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। लास्ट में हम नमक डालेंगे इसे, थोड़ा सा ये भून जाएगा ना, और तो इसे इसका थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, और इसे हम थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे, और ये आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। इस तरीके से कोई झंझट नहीं है बनाने में, बस थोड़े से सामान में एकदम स्वादिष्ट पास्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पास्ता जो मैंने रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देख रहे हैं ना, इसका शेप ही ऐसा इतना अच्छा है ना, कि शेप से ही ये जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो टेस्ट मेकर आता है ना पास्ता का, वो हम डाल देंगे, और इसे हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और इस तरह से हम इसे हल्का सा 10 से 15 मिनट तक के लिए इसे हम भूनेंगे। और ये देख रहे हैं ना, इसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसे और हम 10-15 मिनट भून लेते हैं। तो हाई फ्लेम पर, फ्लेम को हाई रखिए, तो ये देखते हैं टमाटर भी ज़्यादा गला नहीं है, और ये कलरफुल इसका जो है इसे कलर, मसाला से कलर आ गया है। अब हम इसमें, आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, और इसे 10 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, और ये हमारा स्वादिष्ट पास्ता जो है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।